श्री गिरिराज अन्न क्षेत्र की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमुना मैया की जय। श्री हंस भगवान की जय। श्री सनकादिक भगवान की जय। श्री नारद भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। निम्बार्क भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम सर्वेश्वर प्रभु की महती अनुकंपा से नालंदा मॉडर्न पब्लिक स्कूल बुराड़ी दिल्ली में इस कथा सत्र का आयोजन चल रहा है। यजमान स्वनाम धन्य परमुदार धर्मशील श्री देवी प्रसाद जी वत्स, श्रीमती रानी वत्स हैं, इनको शुभकामना है, मंगल कामना है। भगवान इनको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, आयुष्य आरोग्यता प्रदान करें और आपके द्वारा सदैव इसी प्रकार का जगन मंगल कार्य संपादित होता रहे। इस शुभकामना के साथ प्रभु से प्रार्थना भी है। इस कार्यक्रम का आस्था भजन चैनल के माध्यम से प्रसारण किया जा रहा है। सभी श्रोताओं को शुभकामना है, मंगल कामना है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। जन्माद्यस्य तुन्वयादितरतस्यार्थे सभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। शास्त्र वेद उपनिषद ये कहते हैं कि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। ओम आत्मा वा इदमेकम एवाग्रासित नान्यत किंचन मिश्र सह इक्षत लोकानुसृत जायते। ऐतरीय उपनिषद एक के अलावा दूसरा कुछ नहीं। ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। गीता ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता 18:61। एक के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन यहां तो
कह रहे हैं कि जिससे संसार का जन्म होता है, पालन होता है, संहार होता है, ये तीन क्रिया। भगवान ने संसार को बनाया, पालन किया और नष्ट कर दिया। एक के अलावा जब दूसरा कुछ है ही नहीं तो उत्पत्ति, पालन और विनाश, ये तीन काम कहां से हो गए भाई। वेद तो ये कहता है, शास्त्र ये कहता है, स्वयं भागवत भी यही कहता है कि एक के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो ये फिर संसार का सृजन, पालन और संहार, ये क्रिया क्या चीज है। कहे कि यह है कुछ नहीं, न संसार की कभी उत्पत्ति होती है, न इसका पालन होता है और न कभी विनाश होता है। तो ये दिखाई तो पड़ता है, केवल दिखाई पड़ता है, होता नहीं है, केवल दिखाई पड़ता है। सत्य यही है, होता नहीं है, न जन्म हुआ, न पालन हुआ, न संहार हुआ, दिखाई पड़ा। स्वप्ने दृष्टमिवोत्थित, जैसे कोई पुरुष स्वप्न से जाग जाए तो स्वप्न में होने वाली उत्पत्ति, पालन और संहार, इस क्रिया का कोई महत्व है? जी नहीं। उस क्रिया का महत्व कब तक है? जब तक वो सो रहा है। तो हम लोग जब तक सोए हुए हैं, जब तक सोए हुए हैं तब तक जन्म है, पालन है और मृत्यु है। जाग जाएंगे तो न जन्म है, न पालन है और न मृत्यु है। तो इसका मतलब अभी हम लोग सो रहे हैं, अभी हम लोग जागे नहीं हैं। मोह निशासम सोवनिहारा, हम लोग सो रहे हैं। जब तक शरीर को हम अपना स्वरूप मान रहे हैं कि ये शरीर ही मैं हूं, तब तक आप ये मान लीजिए कि हम सो रहे हैं। मोटी मोटी बात, जब तक शरीर मैं हूं, शरीर की सत्ता के साथ मेरी सत्ता है, मेरा अस्तित्व है, शरीर के न रहने से मेरा अस्तित्व नहीं है, तो ये मान लिया जाना चाहिए कि हम सो रहे हैं। हम सब सो रहे हैं और सोते सोते ही देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं? जन्म भी देख रहे हैं, पालन भी देख रहे हैं और मृत्यु भी देख रहे हैं। तीनों काम देख रहे हैं, न होते हुए भी दिखाई पड़ रहा है। हम लोग सो रहे हैं तो किसी बच्चे का जन्म देखते हैं, दिखाई पड़ा, हुआ नहीं। हम लोग सिनेमा में देखते हैं, सिनेमा के पर्दे पर जन्म भी देखते हैं, पालन भी देखते हैं, मृत्यु भी देखते हैं, सब दिखाई तो पड़ता है। और जो बालक को महिला जन्म दे रही है वो रोती भी लगती है, मरने पर दुख भी होता है, लोग रोते भी हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, केवल पर्दे के ऊपर दिखाई पड़ता है। तो ये माया के पर्दे के ऊपर सब दिखाई पड़ रहा है, हो नहीं रहा है। लेकिन ये तब तक दिखाई पड़ेगा जब तक हम सो रहे हैं, जाग जाएंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। अन्वयात इतरतः अभिज्ञ स्वराट, जो वस्तु जिससे निर्मित होती है वो उसमें अन्वित भी होती है। जैसे संसार की उत्पत्ति भगवान से हुई तो भगवान संसार में अनुगत यानी व्याप्त हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बना है तो मिट्टी घड़े में अनुगत है यानी व्याप्त है। अंगूठी सोने की बनी तो सोना अंगूठी में व्याप्त है। जैसे स्वप्न का संसार बना तो स्वप्न के संसार में आत्मा
अनुगत है, अनबयात और उससे अलग भी है। जो वस्तु जिससे निर्मित होती है आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स्व आश्रयः, आश्रय तत्व से अधिष्ठान से अध्यस्त कभी अलग नहीं होता, पृथक नहीं होता। जैसे मिट्टी आश्रय तत्व है और उसी आश्रय में, आश्रय तत्व में अधिष्ठान कह दें, कारण कह दें, उसी कारण तत्व में घड़ा एक कार्य दृष्टि गोचर हो रहा है आकृति लिए हुए, वस्तुतः है नहीं, वो मिट्टी ही एक आकार धारण किया है। उससे वो अलग भी है अभिज्ञ और वो ज्ञान स्वरूप है। तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, वो सर्वज्ञता का बीज है, सब कुछ जानता है और वो स्वयं प्रकाश है, प्रकाश के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। जैसे आत्मा ने स्वप्न के संसार को प्रकाशित किया, लेकिन आत्मा को प्रकाशित करने वाला दूसरा कोई प्रकाश नहीं है, वो स्वयं प्रकाश कहा जाता है। उसी ने ब्रह्मा के हृदय में जितने वेद हैं संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया, जिस वेद के संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे सूर्य के रश्मियों में जल की भ्रांति हो जाए, मृग मिर्च का, मृगजल नाम सुने हैं, मृगजल का, मृगजल होता है गर्मी के दिनों में जब धूप चिलचिलाने लगती है तो मृग को दूर जल दिखाई पड़ता है कि जल का स्रोत बह रहा है, जल बह रहे हैं, तो मृग जल पीने के लिए जाता है तो वहां जल तो होता नहीं है, वहां जाता है तो जल दिखाई नहीं पड़ता है, फिर उसको दूर दिखाई पड़ता है वहां से, फिर वो जाता है वहां पर जल पीने के लिए तो वहां भी जल नहीं। इसी प्रकार उस जल की खोज में मृग मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो वैसे ही ये संसार भी मृग जल के समान है, तेजो बारी, तेज में बारी का, जल में अस्थल का, अस्थल में जल का भ्रांति हो जाए। ये तीन ही तत्व में भ्रांति होती है, जो आंख से दृष्टिगोचर होता है भ्रांति की संभावना उसी में होती है। तो पंचभूतों में तीन ही भूत दिखाई पड़ते हैं, पृथ्वी जल तेज, तेज माने आग, वायु दिखाई नहीं पड़ता है और आकाश भी दिखाई नहीं पड़ता है, तो भ्रांति भी इन तीनों में ही होती है। जैसे सूर्य के रश्मियों में, किरणों में जल की भ्रांति हो जाए, जल में अस्थल की, स्थल में जल की भ्रांति हो जाए, तो ये संसार जो त्रिसर्ग है ये भी भ्रांत है, ये सत्य नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे विद्वानों ने इसको सत्य माना है और कुछ विद्वानों ने असत्य भी माना है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस संसार को मिथ्या भी कहा गया है। पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम, इस संसार क्षणभंगुर है, अनित्य है, मिथ्या है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं ये सत्य है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमही यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये जो त्रिसर्ग है ये अमृषा है यानी सांच है। वैसे तो दो दृष्टि होती है, कार्य के दृष्टि से देखा जाए तो कार्य कभी सत्य नहीं होता है, कारण सत्य होता है,
तो कारण तो ब्रह्म है और संसार कार्य है, तो कार्य कभी सत्य नहीं होता है। जैसे घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है, तो घट कार्य कभी सत्य नहीं होता। जो कारण है मृतिका वो सत्य है, तो मृतिका के सत्य होने के कारण ही जो कार्य रूप घट है वो सत्य दिखाई पड़ता है। यथा यत्र त्रिसर्गो मृषा है, जो त्रिसर्ग है अमृषा है कारणत्वेन, अधिष्ठान के दृष्टि से कारण के दृष्टि से ये संसार सत्य है, क्योंकि संसार के अधिष्ठान भगवान है और भगवान सत्य है, इसलिए ये संसार भी सत्य दिखाई पड़ता है। और जो सत्य वस्तु होती है वो हमेशा अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहती है, उसके स्वरूप में कभी व्याघात नहीं होता है, वो जीव का तिम है। जैसे भले ही मिट्टी घड़ा बन जाए, लेकिन मिट्टी का जो मिट्टी पना है घड़ा बनने के बाद भी समाप्त नहीं होता। जैसे सोना अंगूठी के रूप में, हार के रूप में, कुंडल के रूप में परिणत होने के बाद भी जो सोना है वो सोना ही रहता है, तो ब्रह्म भी जगत के रूप में परिणत होने के बाद भी ब्रह्म की ब्रह्मत्ता कभी बाधित नहीं होती है, वो जीव का त्यों अपने स्वरूप में ही रहता है। जैसे भले ही स्वप्न का संसार बन जाए, लेकिन जो आत्मा है स्वप्न के संसार के रूप में परिणत होने के बाद भी वो अपने स्वरूप में ही रहता है, उसके स्वरूप में कोई कभी कोई बाधा नहीं आती है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, माया माया के कार्यों के साथ उसका किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। ये ब्रह्म का सब लाक्षणिक स्वरूप वर्णित है। वैसे शब्दों नयत्र पुरकारकवान क्रियार्थो माया परेत यभिमुखे च विलज्जमाना यतो प्राप्तो निवर्तन्ते वाचश्च मनसा सह। ब्रह्म शब्द का विषय नहीं है और ब्रह्म को व्यक्त करने के लिए शब्द के अलावा हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं। तो ये शाखाचंद्र न्याय के द्वारा ये वेद भी भगवत तत्व का निरूपण करते हैं। प्रगट रूप से तो चाहे वेद हो चाहे कोई भी हो ब्रह्म का निरूपण कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर शब्द की पहुंच नहीं है, मन की पहुंच नहीं है, बुद्धि की पहुंच नहीं है, इंद्रियों की पहुंच नहीं है। तो जब इसकी पहुंच ही नहीं है और व्यक्त करने के लिए हमारे पास तो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, इनके अतिरिक्त दूसरा कोई साधन है नहीं, तो व्यक्त किया कैसे जाए। तो कहे कि ये शब्द ही है, शाखा चंद्र न्याय के दृष्टि से ब्रह्म का निरूपण किया जाता है। नैमिषे निमिषेत्रे ऋषियः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि 1,000 वर्ष पर्यंत चलने वाले एक यज्ञ का अनुष्ठान किए और अवकाश मिलने पर, समय मिलने पर महाभाग सूत जी के पास जाकर के प्रणति निवेदन करके 6 प्रश्न पूछते हैं और उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण श्रीमद् भागवत है। पुंसा मेकांततः श्रेयस्तन्नः संसितुम अर्हसि। पहला प्रश्न किया कि जीव की आयु कम हो गई,
बुद्धि कम हो गई, चित्त उपद्रव ग्रस्त हो गया, ऐसी स्थिति में जगत के जीवों के कल्याण के लिए सबसे सुंदर सुगम उपाय क्या है? ये पहला प्रश्न किया। कल्याण प्राप्ति का सबसे सुंदर सुगम उपाय क्या है, और विशेषतः कलयुग में। दूसरा प्रश्न किया, अतः साधो त्रियत्सारम समुद्धृत्य मनीषया। शास्त्र बहुत है, चार वेद हैं, छह शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, बहुत सी श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, उपनिषद हैं, इन सब का सार क्या है? निचोड़ है। तीसरा प्रश्न किया, सुत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्यम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया। तीसरा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से किस लिए, किस काम के लिए अवतार धारण किया। चौथा प्रश्न किया, तस्य कर्माण युदारानी परिगीतानि सूरभि, और भगवान ने अवतार लेकर के कौन कौन सी लीला की। पांचवा प्रश्न किया, अथाख्यायी हरधेमन नवतार कथा सुभा, भगवान के मंगल में जो अवतारों की कथा है आप उसको सुनाएं। और छठा प्रश्न किया, ब्रूही योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपीत धर्मः कम शरणम गता। धर्माश्रयी भगवान को कहा जाता है, जो धर्म है वो सदैव भगवान के ही आश्रय में रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। सवै पुंसम परो धर्मो यतो भक्तिरधुक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यात्मा संप्रसीदति। कल्याण प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय है हम लोग काम करें, लेकिन उसमें भगवान का भजन करें, लेकिन उसमें कोई अपना हेतु न हो। अहेतुकी यतो भक्ति रधोक्षजे, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की हम लोग भक्ति करें लेकिन उसमें कोई कारण न हो, कोई हेतु न हो कि हमको बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, फैक्ट्री चल जाए, धन दौलत मिल जाए, ये हेतु हो गया तो ये हेतु भगवान के भक्ति को धूमिल कर देता है। निष्काम भाव से कोई कामना न हो, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करें, उसको सबसे उत्तम माना गया है। अहेतुक्य प्रतिहता यह आत्मा संप्रसीदति, तो उससे आत्मा को बड़ी, यानी भगवान को मान लीजिए, प्रसन्नता होती है बिना हम किसी हेतु के भगवान की आराधना करें। अवतारों की कथा जो पांचवा प्रश्न था, अवतारों की कथा का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के 24 अवतार हुए। पहला अवतार है सनकादिक का, दूसरा बड़ा भगवान का, तीसरा नारद का, चौथा नर नारायण का, पांचवा कपिल का, छठा दत्तात्रेय का, सातवां यज्ञ पुरुष का, आठवां ऋषभ देव का, नौवां पृथु का, दसवां मत्स्य का, ग्यारहवां कच्छप का, बारहवां धन्वंतरी का, तेरहवां मोहिनी का, चौदहवां
नरसिंह का, 15वां वामन का, 16वां परशुराम का, 17वां व्यास का, 18वां राम का, 19वां बलराम का, 20वां कृष्ण का, 21वां बुद्ध का, 22वां कल्कि का। ये 22 अवतार का यहां पर वर्णन किया गया, 22 अवतार। देखिए यहां पर जो दो अवतार माने गए हैं, बुद्ध और कल्कि का, बुद्ध और कल्कि ये जो दो अवतार हैं, ये व्यास जी के बाद में हुए हैं। व्यास जी को हम ये मान ले कि आज 5000 वर्ष पूर्व में व्यास जी का अवतार हुआ। 5000 वर्ष पहले व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के समकालीन है, और भगवान के अवतार के लगभग 5500 वर्ष पूर्व हुआ है, और बुद्ध का ईसा के कुछ पूर्व माना गया है। तो उस समय में बुद्ध का अवतार नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर बुद्ध का नाम भी लिया है। तो ऐसा लगता है कि ये भगवान बुद्ध के बाद में व्यास जी महाराज हुए हैं जिन्होंने भागवत संहिता की रचना की है, ऐसा लगता है। अब ये सांच है या झूठ है ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि महर्षि वेद व्यास जी त्रिकालज्ञ थे, त्रिकालदर्शी थे। अपने प्राज्ञ बल से रितंभरा प्रज्ञा के द्वारा उन्होंने बुद्ध का नाम लिया हो, कल्कि का नाम तो आया ही है, कल्कि का अवतार तो अभी हुआ ही नहीं है, अभी तो लाखों वर्ष बाद है। अभी तो आज तो संभव नहीं। यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति एक रासो समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्। जब सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति कर्क राशि में पुख नक्षत्र में एक साथ इकट्ठे होंगे तब कलयुग समाप्त होगा और सतयुग प्रारंभ होगा। तब कल्कि भगवान का अवतार होगा, दुष्टों का विनाश करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। तो अभी तो 5000 वर्ष व्यतीत हुआ है ना, कलयुगे कलि प्रथम चरणे, और 432000 वर्ष की आयु है कलयुग की, तो लगभग लगभग अभी 425000 से ऊपर वर्ष के बाद में कल्कि का अवतार होगा। लेकिन हमारे महापुरुषों ने अपने प्राज्ञ बल से इसको वाल्मीकि रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण तो हम ये मान ले कि त्रेता की रचना मानी जाएगी, महर्षि वाल्मीकि त्रेता में हुए जिन्होंने वाल्मीकि ग्रंथ की रचना की, और वाल्मीकि ग्रंथ में भी बुद्ध का नाम आया है और कृष्ण का भी नाम आया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि बुद्ध के बाद या कृष्ण के बाद हुए, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई वो महर्षि त्रिकालज्ञ थे, अपने प्रातिभ बल रितंभरा प्रज्ञा के द्वारा उन्होंने संपूर्ण सत्य का साक्षात्कार किया होगा और फिर उन्होंने लिखा होगा। तो ये दो अवतारों के संबंध में यहां 22 अवतारों का ही वर्णन आया है। इसमें हंस और हयग्रीव को मिला करके
24 को पूर्ण करते हैं। एति चांस कला पुनस कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे। और इन 24 अवतारों में ये जो 24 अवतार हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार को पूर्ण अवतार माना। एति चांस कला पुनस कृष्णास्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और इनको पूर्णावतार कहा यहां पर महर्षि वेदव्यास जी ने। कलौ नष्ट दिशान्वेश पुराण आर को धुनोदित। और कल्याण प्राप्ति का सबसे सुंदर सुगम जो साधन यहां पर सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को बतलाया है, उसमें ये कहा है कि श्रीमद् भागवत के कथा के श्रवण के जैसा कल्याण प्राप्ति का दूसरा कोई भी साधन नहीं है। यानी भागवत को सबसे श्रेष्ठ माना है। तो यहां पर सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज सूत सूत महाभाग बदनो बदताम्बर कथम भागवतीम पुण्यम यदाह भगवान चु। भगवान सुखदेव ने इस भागवत संहिता को राजा परीक्षित को सुनाया। ये भागवत संहिता की रचना किसने की, किसकी प्रेरणा से की, और परीक्षित और सुखदेव जी में ये संयोग कहां और कैसे उपस्थित हुआ? और सुखदेव जी तो परम वीतरागी हैं, विरक्त शिरोमणि हैं, परमहंस शिरोमणि हैं। उन्होंने भागवत संहिता का अध्ययन कैसे किया और 7 दिन तक एक जगह रह करके राजा परीक्षित को कैसे सुनाया? उनके लिए तो ये प्रसिद्ध है, सब वो दोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिना न लक्षते ह्यवस्थानम। ये एक जगह है, एक जगह है। जितनी देर में गाय दुही जाती है उससे अधिक समय तक कहीं ठहरते नहीं है। इनके विषय में तो ये भी कहा जाता है कि ये वृक्ष के नीचे भी एक रात से ज्यादा नहीं ठहरते, ठहरे और गए। किसी गृहस्थ के घर कितनी देर ठहरते हैं, जितनी देर में गाय दूही जाए। और वो 7 दिन तक कथा सुनाए, सुनाए ही नहीं, सुने भी तो होंगे ना, पहले तो सुने होंगे यानी पढ़े होंगे, और पढ़ करके फिर सुनाए। तो ये संयोग कैसे उपस्थित हुआ? तो कहे कि द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग परिये जातः परासरात योगी बासव्याम कल्याहरे वसुनंद वसुपुत्री सत्यवती के गर्भ से महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। पराशर के पराशर ये महाभाग, ये पराशर के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। इनका पहले तो विवाह हुआ था गंगा के साथ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, गंगा जी के साथ इनका विवाह हुआ था। और उन्हीं गंगा के पुत्र थे पितामह भीष्म देवव्रत, पहले इनको देवव्रत कहा जाता था। देवव्रत के जन्म के बाद गंगा शांतनु को छोड़ करके चली गई। ये शांतनु के पुत्र थे ना देवव्रत पितामह भीष्म। तो एक बार ये शांतनु शिकार खेलने के लिए गए थे, तो उन्होंने वसुकन्या सत्यवती को देखा, तो उसके ऊपर ये मुग्ध हो विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो जो सत्यवती के पिता थे पालक पिता, ये तो उपरिचर वसु के वीर्य से जन्म ली थी,
मछली के पेट से। महर्षि वेद पराशर के संबंध से इनके शरीर से सुगंधि निकलने लगी, योजन गंधा भी इनका नाम हुआ, मत्स्य गंधा, योजन गंधा। उसके बाद जब शांतनु का विवाह हुआ तो इनका नाम सत्यवती हो गया। तो शांतनु की इच्छा हो कि इनके साथ विवाह हो, लेकिन जो सत्यवती के पिता थे उन्होंने शर्त लगा दी कि हम एक ही शर्त पर शादी कर सकते हैं कि सत्यवती के गर्भ से जो बालक होगा वही आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तो अब देवव्रत को छोड़कर के उनकी इच्छा नहीं हुई कि मैं सत्यवती के पुत्र को राज्य का अधिकारी बनाऊं, लेकिन उसके चिंता के कारण ये चिंतित रहने लगे, उसके चिंतन में रहने लगे, शरीर कमजोर होने लगा। तो देवव्रत को मंत्रियों ने बताया ऐसे रहस्य को कि ये सत्यवती को चाहते हैं, लेकिन उसने शर्त लगा दिया, अब उसको न छोड़ पाते हैं, यानी उसका चिंतन नहीं छोड़ पाते हैं, और आपको उत्तराधिकारी भी बनाना चाहते हैं। इसके कारण ये द्वंद में चिंतित होकर के कमजोर हो रहे हैं, छिज रहे हैं। तो स्वयं देवव्रत वो सत्यवती के पिता के पास में गए और कहा कि आप अपने पुत्री का विवाह, जो पालक पुत्री है, इसका हमारे पिता के साथ में कर दीजिए, और मैं वचन देता हूं कि इसके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही हमारे हस्तिनापुर का अधिकारी, उत्तराधिकारी बनेगा। उसने एक और शर्त लगा दी कि ठीक है, लेकिन ये क्या गारंटी कि आपके पुत्र जन्म ले और इसके पुत्र को हटा करके वो राजा बन जाए। तब इन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, आप अपने पुत्री का विवाह हमारे पिताजी के साथ कर दीजिए। तब वो सत्यवती को लेकर के आए, पिताजी के साथ शादी कराया, और शांतनु ने यह वरदान दिया था कि तुम जब चाहोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। इसी से पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदानी कहा जाता है, आप जब चाहेंगे तब आपकी मृत्यु होगी। तो द्वापर में, द्वापरे समनु प्राप्ते प्राप्ते तृतीय युग पर यही जातः पराशरात योगी वासव्याम कल्या है, उन्हीं सत्यवती के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास पराशर के वीर्य से। यह अपने आश्रम में उदास बैठे थे, यद्यपि इन्होंने बड़ा भारी काम किया था। उस समय के सबसे बड़े राइटर मान ले, लेखक, प्राज्ञ लेखक, जो अपने प्रज्ञा के बल से सब कुछ लिख दिया, उसमें महर्षि वेदव्यास थे, जिन्होंने वेदों का विभाग किया, चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चार वेद, 17 पुराण और पंचम वेद महाभारत। हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कि जो महाभारत में नहीं है वो विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है, यानी किसी विषय को महर्षि वेदव्यास ने छोड़ा नहीं। लेकिन फिर भी ये उदासीन थे, चिंतित थे, तो इनके आश्रम पर नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, पाराशरी महाभाग भवतः कच्चिदात्मन, आपका मन प्रसन्न है व्यास जी महाराज,
कहे कि हाँ महाराज प्रसन्न तो है लेकिन हम उदास भी रहते हैं, खिन्नता रहती है, और क्या कारण है मैं नहीं जानता। तो नारद जी ने कहा यथा धर्माद यश्चार्था मुनि वर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवर्णिता। आपने जिस प्रकार अपने लेखनी से धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया है वैसा ही आपने प्रभु के पावन चरित्र का वर्णन नहीं किया, यही गड़बड़ी है, यही कमी है। इस अथो महाभाग भवान मोघ दीर्के सुचि सर्वासर तरतो धृतव्रत उरु क्रमशः खिलबंध मुक्त समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। इसलिए व्यास जी महाराज आप समाधि लगाइए, समाधि लगाइए, और आपको जो समाधि के अंदर दिखाई पड़े उसको अपने कलम से लिखिए, जगत के जीवों के कल्याण के लिए। आप ऐसी एक संहिता, एक ऐसी पुस्तक की रचना कीजिए, ग्रंथ की रचना कीजिए, जिसको पढ़ करके, जिसको सुन करके लोगों का कल्याण हो। आपने सब लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन भगवान के प्रिय चरित्र का वर्णन नहीं किया, ये कमी है आपने। अब आप लिखिए और अपना पूर्व जन्म वृत्त भी बतलाए। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेद वादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृष निर्विविक्षता। मैं पूर्व जन्म में, नारद जी अपना स्वयं का जीवन वृत्त बतला रहे कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और मेरी मां एक ब्राह्मण के यहां सेवा करती थी। उन ब्राह्मण देव के यहां एक बार कुछ योगी लोग, सन्यासी लोग, साधु लोग चतुर्मासा करने के लिए आए और मेरी मां उन सन्यासियों की सेवा करती थी, तो मैं भी उन सन्यासियों की सेवा में लग गया। सन्यासी लोग, योगी लोग हमारी श्रद्धा को, हमारे प्रेम को, हमारे भक्ति को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उच्छिष्ट लेपा ननमोदितो द्विजही सकृतस्म भुंजे तदपास्त किलविषा। उन संतों ने कहा कि हमारे थाली में जो जूठी बच जाती है, जूठन उच्छिष्ट सिद्धे, उसको नारद तुम खा लिया करो। तो नारद जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसको खाने लगा, जूठी प्रसादी थाली में रह जाती है ना जूठी, उस जूठी प्रसाद को मैं खाने लगा। तो हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप थे उस जूठी प्रसादी से सब समाप्त हो गए। सिद्ध प्रसादी में, महापुरुषों के सिद्ध प्रसादी में बहुत शक्ति रहती है, उससे सारे पाप समाप्त हो गए। और जब संत लोग जाने लगे, यहां पर एक बात नारद जी और कहे, एवं निराम क्रिया योग सर्वे संस्थिति है तव तो एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। एक बात नारद जी ने, हम लोग जो संसार में आते हैं ये क्यों आते हैं, एवं निराम क्रिया योग सर्वे संस्थिति है तव, ये संस्कृति का, ये जन्म मृत्यु का हेतु क्या चीज है। तो कहे कि कर्म, हम जैसा कर्म करते हैं उसी कर्म के अनुसार मुझे इस संसार में जन्म और मृत्यु की प्राप्ति होती। तेहलादा परितापा फला पुण्या पुण्य हेतु त्वा, हम जैसा कर्म करते हैं सती मूल्य तद विपाको जाति आयुर्भोगा। ये पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा, कर्मों के अनुसार ही हमको जाति आयु और भोग तीन वस्तुएं मिलती हैं। जाति यानी मनुष्य, सुकर कुकर देवता आदि, ये सब जाति हो गई, ब्राह्मण क्षत्रिय जाति नहीं मानी गई है,
और आयु 100 वर्ष, 50 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, हम कितने दिन तक जिएंगे यह हमारे उस कर्म के अनुसार है। और भोग सुख और दुख है, यह भी हमारे कर्म के अनुसार ही जाति, आयु और भोग तीन वस्तुएं हमको हमारे कर्म के अनुसार मुझे प्राप्त होती हैं। तो कर्म के अनुसार संसार में जन्म सुख दुख का भोग है, तो एवात्मा विनाशाय, और उस कर्म की परंपरा को मिटाने के लिए भी कर्म ही है। एक सिद्धांत है ना कि जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता भी है। तो कर्मों के गांठ के कारण हम लोग संसार में जन्म लिए हैं, और उन्हीं कर्मों के कारण इस संस्कृति का अभाव भी होगा, यानी जन्म मृत्यु से हम ऊपर उठ करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। नारद जी बतला रहे हैं कि भाई वो कुछ न कुछ कर्म करना पड़ेगा, संसार कर्म सापेक्ष है, कर्म के अनुसार जन्म मिला और कर्म के अनुसार मुक्ति भी मिलेगी। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारद जी कह रहे हैं कि संत लोग जब जाने लगे तो उन्होंने एक मुझे मंत्र दिया, संकर्षण मंत्र, और उसी मंत्र को मैं जपने लगा। तो संत लोग तो चले गए, चातुर्मासा खत्म हुआ, संत लोग तो चले गए, लेकिन मेरी अब इच्छा हो कि मैं निर्द्वंद हो करके बिना किसी विघ्न बाधा के भगवान की भक्ति करूं। लेकिन अब माता जी सामने, यदि हम जाएंगे छोड़ करके माता जी को, तो माता जी रोएंगी। कोई बेटा संत बन जाए तो मां को तो दुख होगा ही। नारद जी ने सोचा कि मां को मैं छोड़ करके जाऊं, ये विधवा है, मैं एक लौता पुत्र, इसकी आसक्ति मेरे साथ, इसकी प्रियता मेरे साथ, तो मैं छोड़ करके जाऊंगा कैसे। यह दुख भी हो और यह भी हो कि भगवान का भजन करूं, यह क्या रखा है संसार के झमेला में, अंधकूप है, गृहमंधकूपम, यह अंधकूप है, चलो यहां से खिसक लो। लेकिन सामने माता जी, कैसे छोड़ करके जाए, मां की ममता। एकदा निर्गताम गेहा दुहंतिम निशिगामपति सर्पो दशत पदास पृष्ठ कृपणाम काल चोदिता। तो एक दिन माता जी शाम के समय गई गाय दूध दुहने के लिए, तो उनका पांव काल से प्रेरित होकर के सर्प के ऊपर पड़ गया और सर्प ने मां को डस लिया। मां की मृत्यु हो गई तो मुझे बुरा नहीं लगा, अनुग्रह मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्राम, मुझे बुरा नहीं लगा, हमने माना कि अब हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, माता जी खत्म हो गई और हमारे ऊपर कृपा हो गई। और मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उत्तर दिशा को हमारे विद्वान महापुरुष लोग कहते हैं कि मुक्ति का पथ है। जो दक्षिण दिशा है, योजना नाम सहस्त्राणी नवतिम नव चाध्वन, 99,000 योजन दूर दक्षिण दिशा में नरक है। और जो स्वर्ग का मार्ग है वो उत्तर दिशा से जाता है। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया था ना, सुने हैं ना, तो उत्तर दिशा की ओर गए थे, प्राण का परित्याग किया। जब भक्ति करनी होती है तो लोग हिमालय की गुफा की ओर जाते हैं। कुछ महापुरुष ऐसे भी हुए हैं जो दक्षिण दिशा की ओर गए हैं, अगस्त आदि, लेकिन बहुधा यही माना जाता है कि उत्तर दिशा की ओर प्रयाण करना चाहिए, जाना चाहिए मुक्ति के लिए। और नरक की यात्रा करनी हो तो दक्षिण दिशा की ओर जाए। तो प्रातिष्ठम दिशमुत्तरम, मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। तो जाते जाते बहुत दूर गया, थक गया,
एक नदी मिली, स्नात्वा पित्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रम, तो उस नदी में मैंने स्नान किया, जलपान किया और एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गया और गुरुजी ने जो मंत्र दिया था उसको जपने लगा, विधि के अनुसार ध्यान करने लगा, तो हृदयासीन में शनि हरी, तो मेरे हृदय में तुरंत भगवान की दिव्य झांकी प्रकट हो गई, परमानंद में हम डूब गए। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में वह आनंद लुप्त हो गया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं बार बार चेष्टा करूं कि वही आनंद आए, वही आनंद आए। तो आकाशवाणी हुई, अविपक्वा कसायाणाम दुर्दर्शो हम को योगिना, नारद तुम अभी पूर्ण योगी नहीं हो, अभी तुम्हारे अंदर यह क्षमता नहीं है कि तुम मेरा दर्शन कर सको। नारद ने कहा कि अभी तो आपने महाराज दर्शन दिया ही था, कहे कि इसलिए दर्शन दिया था कि ताकि तुम्हारी चित्तवृत्तियां मेरी ओर लग जाए। देखिए छोटे छोटे बालकों को स्कूल जाओ पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए एक ट्रॉफी मिलेगा, हाँ कल लिखो एक ट्रॉफी मिलेगा, माताजी सिखाती हैं, पिताजी सिखाते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ो। स्कूल जाओ एक रुपया मिलेगा, तो लोभ से चला जाता है। लेकिन वही दो चार साल के बाद लोभ की जरूरत नहीं, पिताजी कहते हैं कि आज छुट्टी मारते, क्या कि ना 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 हमें समय नहीं है, हम तो जाएंगे। तो पहले सिखाना पड़ता है लोभ देकर। तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे हृदय में हमारी प्रियता बढ़ाने के लिए तुमको हमने एक बार दर्शन दे दिया, अब अगले जन्म में तुमको मेरा दर्शन होगा, तब तक प्रतीक्षा करो। तो नारद जी कह रहे हैं कि वही मैं नारद, जब संसार का प्रलय हुआ तो सारा संसार कहां जाता है, इस संसार नष्ट हो जाता है तो कहां जाता है, जहां से आया वही तो जाएगा, तो ये कहां से आया है, कहे कि भगवान के पेट से आया है। इस संसार कहां से आया है, भगवान के पेट से आया है, तो ये जाएगा कहां, भगवान मिल जाएगा। तो सारे संसार को जब भगवान ने अपने उदर में रखा तो मैं भी चला गया, और जब संसार का सृजन हुआ उत्संगा नारदो जग्गे, तो ब्रह्मा जी ने मुझको अपने गोद से उत्पन्न किया और भगवान ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की कि एक वीणा दिया, देवदत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमान चराम्यहम अहो देवर्षि धन्योयम यत् कृतिम सारंग धनमनः गायन माद्य निदम तंत्र्या रमयत्यातुरम जगत। और भगवान ने ऐसी कृपा की कि हमको ये देवदत्त वीणा, एक वीणा दिया और कहा कि बेटा अब इस वीणा के ऊपर चारों ओर घूमो, काहे के लिए घूमे, मेरा कीर्तन करते हुए घूमो। नारद जी कह रहे हैं कि मैं सब जगह जाता हूं, देवलोक में, असुर लोक में, गंधर्व लोक में, वैकुंठ लोक में, पितर लोक में, नाग लोक में, कहीं रोक टोके नहीं है। ऐसा मुझे एक कार्ड मिल गया है कि कहीं जाओ, कहीं ठहरो, कहीं खाओ, कहीं पियो, सब सब देवता लोग भी गुरु मानते हैं और असुर लोग भी गुरु मानते हैं। प्रहलाद जी असुर थे ना, तो भी गुरु मानते हैं नारदो देव दर्शनार्थ, और ध्रुव जी भी अपना गुरु मानते हैं। ये देवलोक में भी चले जाते हैं और दैत्य लोक में भी चले जाते हैं। ये भगवान ने वीणा दिया, ऐसे वीणा के ऊपर मैं प्रभु के पावन चरित्र का गान करते हुए सर्वत्र विचरण करता हूं। आइए हम लोग एक भजन श्रवण करें। जय जय राधा रमण हरि वो, 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 जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, जय राधा रमण हरि वो।
तेरे मन में अजूबे शिव सी है। और ग्वाल तो छोड़ दियो प्रभु तेरे नाम की कसी है, तेरे नाम की भेंट कसी है, तेरे नाम की भेंट कसी है। छोड़ तुम्हें अब जाए कहां, जैसे जल के जाल में लीन बसी है। तारन तारो हमारे प्रभु जामे मेरी हसीना तुम्हारी हसी है, मेरी हसीना तुम्हारी हसी है, मेरी हसीना तुम्हारी हसी है। तेरा सुंदर रूप लखा जब से तब से लगता सब खोया खोया, बिन चैन नहीं आता नहीं आई नींद नहीं मैं सोया नहीं, आई नींद नहीं मैं सोया नहीं, आई नींद नहीं मैं सोया। ये कहीं तुम्हारा जगाया होगा रो रो के पुप धोया, बाकी बिहारे अब तू न रुला, दुनिया के लिए बहुत ने रोया, दुनिया के लिए बहुत ने रोया, दुनिया के लिए बहुत ने रोया।
वंशी वाले जय जय श्री राधे। नारद जी ने कहा कि व्यास जी अब आप अपनी लेखनी चलाइए, प्रभु के पावन चरित्र की रचना कीजिए और मैं यहां से प्रस्थान कर रहा हूं। तो नारद जी भगवान के चरित्र के बारे में, लीला के बारे में प्रेरणा दिए कि तुम भगवान के चरित्र को लिखो। नारद जी तो चले गए। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रुक्तो ऋषिणाम सत्रवर्धन। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर सम्याप्रास आश्रम में व्यास जी महाराज स्नान आदि से निवृत्त होकर के, संध्या बंदन से निवृत्त होकर के समाधि लगाए और समाधि में उनको क्या दिखाई पड़ा। यदा मृदे कौरव सिंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रीकोदरा विद्ध गदाभिमर्ष भगनोरु दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे हे। क्या दिखाई पड़ा उनको, महाभारत के युद्ध में अंतिम दिन भीम की गदा से दुर्योधन की जांग टूट गई और दुर्योधन खून से लथपथ है, युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ था। तो वहां पर अश्वत्थामा आया और अपने मित्र की प्रियता के लिए उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया और उनका शीश ला करके दुर्योधन को दिया। तो दुर्योधन ने कहा कि ये तो तुमने बड़ा गलत काम किया है भाई, तुमने पांडवों के बजाय उनके पुत्रों का वध कर दिया, अब हमारे कुल में जलांजलि श्राद्ध तर्पण देने वाला भी करने वाला भी कोई नहीं बचा। और इसी ग्लानि के कारण दुर्योधन ने प्राण का परित्याग किया। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, अपने पुत्रों के मृत्यु से अत्यंत दुखी होकर के द्रौपदी रुदन करने लगी। ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली, तो अर्जुन आया और संतावना दिया कि जिस अश्वत्थामा ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है मैं उसको पकड़ करके लाऊंगा, उसका वध करूंगा और अपने पुत्रों के अंत्येष्ट क्रिया के बाद उसके शीश के ऊपर पांव रख करके तुम स्नान करना। निकल गया अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, साथ में भगवान भी गए। अश्वत्थामा अकेले था, देखा कि ये पांडव तो अभी शक्तिशाली है भाई, अब क्या करें, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। मतम च वासुदेवस्य, भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को रोकने का एक उपाय है ब्रह्मास्त्र, वो दूसरे उपाय से रुक नहीं सकता। तो दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो संजाहारा अर्जुनोद्वयम्। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई अर्जुन तुम दोनों बाणों का निग्रह करो, क्योंकि चलाना तो जानता था अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को, लेकिन निग्रह करना नहीं जानता था। तो अर्जुन ने दोनों बाणों को रोका और पकड़ लिया अश्वत्थामा को, बांध दिया और द्रौपदी के पास में लेकर के आया। द्रौपदी ने देखा उवाच चास हंतस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम मुच्यताम में सब ब्राह्मणो निधनम गुरु। अरे ये गुरु का बेटा है, गुरु का बेटा भी तो गुरु ही है ना।
आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम। वेद कहता है कि पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो आचार्य द्रोण जिनके द्वारा तुमने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है, ये उन्हीं का पुत्र है, छोड़ दो इसको, मारने के योग्य नहीं है। ब्राह्मण वैसे भी गुरु माने जाते हैं, छोड़ो। भीम ने कहा कि ना छोड़ने का काम नहीं, तुम छोड़ेगा तो मैं नहीं छोड़ सकता इसको, ये आतताई है, आतताई बधा रहण अग्नि दो गर्दश्चैव शस्त्र पाणी धनापहा क्षेत्र दारा पहरता च सड़े ते आतताई न। छे आतताई माने गए, छे जो आग लगाए, कहीं किसी के घर में आग लगा दे वो आतताई माना गया, जहर दे दे वो भी आतताई, जिसके हाथ में शस्त्र है वो भी आतताई माना गया, जो धन का हरण करने के लिए, जैसे डाकू आए चोर आए आपके धन का हरण करे तो वहां पर दया मत दिखाइएगा, वहां मार डालिए, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो आतताई है। जो आपके जमीन जायदाद के ऊपर कब्जा करे वो भी आतताई है, उसको भी मार डालिए। और आपके पत्नी का, आपके बेटी का कोई हरण करने लगे, सील लूटने लगे तो आतताई है, मार डालिए, पाप नहीं लगेगा। ये छह पापी माने गए आतताई, इनके बद से पाप नहीं लगता है, ये आतताई है, मार डालो इसको। भीम ने कहा, द्रौपदी ने कहा कि नहीं, युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, मारो नहीं भाई, छोड़ दो इसको। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन ब्रह्म बंधुर नहंतव्य आतताई बधारण मयो भय मामनातम परिपाही अनुशासनम। देखो दो बात है, क्या आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दोनों बातें हैं, यह ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। तुम्हारे पास कोई युक्ति है भाई? ये दोनों बातें शास्त्र में कही गई हैं। कहे कि हाँ युक्ति है महाराज। कहे क्या युक्ति है? बपनम द्रविड़ादानम अस्थाना निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नानुस्ति दैहिका। महाराज मैं आपका चेला ही तो हूं, ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसके दाढ़ी को काट दे, बाल को काट दे, मूछ को काट दे, उसके धन को छीन ले, अपमानित कर दे, यही उसकी मृत्यु है। संभावित चाकृति मरणादतिरिच्यते, संभावित पुरुषों का अपमान ही उसकी मृत्यु मानी गई। अब बाप है, अब कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि मारना पड़े तो नहीं, जान मत न मत मारिए, जान मारना उचित नहीं है, गाली दे दीजिए, फटकार दीजिए। यह अर्जुन का नियम था, जो मुझे ये कह देगा कि गांडीव धनुष फेंक दो उसका मैं वध कर दूंगा। महाभारत युद्ध का एक प्रसंग है, तो कर्ण ने जो युधिष्ठिर जी को बड़ा अपमानित किया, मारा जान नहीं मारा, क्योंकि मां को यह वचन दे दिया था ना कि केवल अर्जुन को मैं मारूंगा, बाकी आपके किसी पुत्र का मैं वध नहीं करूंगा। कुंती जी ने कहा कि देखो मेरे पांच पुत्र हैं और तुम छठे हो, तो कर्ण ने कहा कि देखो तुम्हारे पांच पुत्र बने रहेंगे, यदि मैं मर गया तो पांच, और यदि अर्जुन मर गया तो मैं आ जाऊंगा तो पांच, हम तुम्हारे किसी पुत्र का वध नहीं करेंगे अर्जुन को छोड़ करके। तो युधिष्ठिर जी पर पड़ गए कर्ण के सामने, और कर्ण ने बड़ा अपमानित किया, उनके शरीर को ऐसा बाणों से जर्जर कर दिया कि ये शिविर में जाकर के आराम करने लगे, डॉक्टर लोग और वैद्य लोग इनको औषधि देने लगे। तो ये भीम, ये अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर को देखने के लिए चले गए।
तो युधिष्ठिर जी ने सोचा कि कर्ण मारा गया, तभी ये लोग आए हैं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप लोग आए और सबसे प्रबल दुश्मन कर्ण आज मारा गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण मारा नहीं गया अभी। तो युधिष्ठिर जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कह दिया कि गांडू को तुम फेंक दे। हाँ, कह दिया कि फेंक दो गांडू धनुष को, तुम बिना कर्ण को मारे मेरे पास में क्यों आ गया, तुम नपुंसक हो, कायर हो। बड़ा युधिष्ठिर जी ने डांटा तो तलवार निकाल लिया। कौन? अर्जुन, मारने के लिए, जान मारने के लिए। तो भगवान ने रोका, ठहरो 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 ठहरो, क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा कि मेरा नियम है महाराज, मेरा व्रत है कि जिसने ये कह दिया कि अपने गांडीव धनुष को फेंक दो, उसको मैं जीवित नहीं छोड़ सकता, उसका वध मैं करूंगा। कहे कि नहीं, अपने से श्रेष्ठ पुरुष है उनका अपमान, उनकी मृत्यु कही गई, इनको तुम डांट दो, फटकार दो, तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अर्जुन ने कह दिया कि तुम स्वयं नपुंसक आदमी, कायर, युद्ध का मैदान छोड़कर के तो यहां पर आकर के भाग आया, तुमको शर्म नहीं आ रही? हमको कह रहे हो कि कर्ण को, तुम भी तो गया था लड़ने के लिए, कर्ण के सामने हमको दोष दे रहा है। जब खूब डांटा फटकारा तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि अब मैं जीवित नहीं रह सकता, अब मैं, हमको राज की जरूरत नहीं है, मैं आज ही जंगल के लिए जा रहा हूं। ये इसने आज तक कभी मेरे सामने बोला नहीं था, आज मुझे इतनी बुरी बुरी बात बोला है ये, अब मैं रह नहीं सकता, अब मैं जाऊंगा, अब हिमालय में जाऊंगा, अब मैं यहां पर, अब आज से युद्ध बंद कर दिया जाए। तो फिर भगवान ने समझाया कि आप नाराज न होइए, ये इसका नियम था, इसका व्रत था, इसका संकल्प था कि जो भी कहेगा कि अपना गांडीव धनुष फेंक दो, उसका मैं वध कर दूंगा, तो आपको अपमानित करने के लिए इसने आपको अपशब्द कहे हैं। तो फिर राजीनामा हुआ, तो संभावित पुरुषों का अपमान, उसकी मृत्यु कही गई। तो फिर अर्जुन ने उसके सिर में जो मणि थी, ललाट में एक मणि थी, उसको अपने तलवार की नोक से काट काट करके निकाल लिया, दाढ़ी मोच काट दिया, बाल काट दिया, और धक्का दे करके, अपमानित करके शिविर से भगा दिया। और जब भगा तो सोचा कि यदि पांडव हमको मार देते, मेरा जान ले लेते, तो अच्छा रहता। इन्होंने इतना अपमान किया कि इस अपमान का घूंट जीवन भर पीना पड़ेगा। तो उसने विचार किया कि अब क्या करना चाहिए मुझे। तो पांडवों के वंश में कोई जलांजलि देने वाला रहे ही नहीं। एक है उत्तरा गर्भवती है, अभिमन्यु की पत्नी, उसके गर्भ को ही हम नष्ट कर दें। तो उसने, किसने? अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर बाण चला दिया। अब बाण उत्तरा के गर्भ की ओर चला, गंतुम कृतम मतिर ब्रह्मन द्वारकाम रथमास्थित उपलेभे विधावंतिम उत्तराम भय बिहवलाम। तो उत्तरा भय से बिहवल होकर के और भगवान के पास में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम। हे देवाधिदेव, हे जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए। अभी द्रवति मामिस सरस तप्ता यशो विभो कामम दहतु मामनाथ मामे गर्भो निपात्यता। ये देखिए, लौह बाण हमारे गर्भ को नष्ट करने के लिए बड़ी तेजी से हमारे गर्भ की ओर आ रहा है। इस गर्भ के अंदर, हमारे उदर के अंदर पांडवों के वंश का बीज है। यदि ये नष्ट हो गया तो पांडव कुल में, आपके भक्त के कुल में कोई श्राद्ध करने वाला, जलांजलि देने वाला भी बचेगा नहीं। तो भगवान तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और प्रविष्ट होकर के अपने माया के आवरण से उत्तरा के गर्भ को ढक दिया। एक रूप से बाहर रहे। और कुंती जी ने भगवान की इस दयालुता को देखा और 26 श्लोकों में बड़ी प्यारी स्तुति की
नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानां मंतर बहिरवस्थितम माया जवनिका छन्नम मज्ञाध्वक्षजमव्ययम् न लक्षसे मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा तथा परमहंसानां मुनिनाम मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यमहि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। यथा हृषीकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चरम सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मोहर्विपद्गणात्। विशान महाग्निः पुरुषाद् दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्मारे विरक्षिता। विपदा सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवर्तय आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः। बड़ी प्यारी स्तुति किया 26 श्लोक में। कुंती जी कह रही हैं कि आप प्रकृति के पुरुष हैं, यानी प्रकृति के मालिक है, आपको मैं नमस्कार करती हूं। आप संपूर्ण संसार के नियंता हैं, आप सब जगह हैं, हर सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन आश्चर्य तो यह है कि सर्वत्र व्याप्त होने पर भी आप दिखाई नहीं पड़ते हैं। मैं तो स्त्री हूं, नारी हूं, अज्ञ हूं, समझदार नहीं हूं, बड़े बड़े महापुरुष से आपको जान नहीं पाते। आप जैसे कोई बहुरूपिया वेश बदल करके आ जाए तो पहचान में नहीं आता है। सामान्य बहुरूपिया जब वेश बदल दे तो पहचान में नहीं आता है, और आप तो नटनागर है, नटवर है, आपको भला मैं क्या पहचान पाऊं। आप जो ये अवतार धारण किए हैं ये किस लिए किए? परमहंसों के हृदय में भक्ति का संचार, प्रेम का संचार करने के लिए आपका ये अवतार हुआ है। हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे देवकी नंदन, आपको मैं नमस्कार करती हूं। भगवान ने कहा कि बुआ कुछ मांगना है क्या? बोलो, कुछ चाहिए तुमको? तो बुआ ने कहा कि ना ना बेटा, हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ मांग लो। तो कुंती जी ने मांगा, विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपत्ति, विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा और सर्वत्र, एक काल में नहीं, एक जगह नहीं, सर्वदा और सर्वत्र, यानी हम जहां जाएं वहीं विपत्ति मिले और हमेशा मिले। क्योंकि जब विपत्ति रहती है तो आप रहते हैं, विपत्ति में ही आप रहते हैं, और जब आप रहते हैं तो अपुनर्भव, अपुनर्भव संतों को भी कहा जाता है और मोक्ष को भी कहा जाता है, तो दोनों बातों को हम ले सकते हैं। अपुनर्भव जो संत महापुरुष होते हैं उनको भी अपुनर्भव कहा जाता है, और मोक्ष को भी अपुनर्भव कहा जाता है, यानी पुनः भव माने संसार में आने का क्रिया है वो बंद हो जाए, उसको अपुनर्भव कहते हैं। तो जो महापुरुष लोग हैं वो भी एक बार संसार में आए तो दोबारा नहीं आते हैं, इसलिए उनको भी अपुनर्भव कहा जाता है, और मोक्ष को भी, आत्यंतिक प्रलय को भी अपुनर्भव कहा जाता है। जो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है वो संसार में दोबारा लौट करके नहीं आता है। तो मोक्ष का दर्शन होता है और आप विपत्ति में ही मिलते हैं,
अब कई उदाहरण दिया ना, विशाल महाग्नि, जब भीम को विष दिया गया तो आप रक्षा के लिए आए, लाक्षागृह में जलाया जा रहा था तब आप रक्षा के लिए आए, वनवास काल में दुर्वासा आदि के साप से यक्ष आदि के द्वारा आपने रक्षा की, महाभारत युद्ध में बड़े बड़े मगरमच्छ थे, पिता महामी समरी मरंजय यही देवो व्रताद्याति रथस्तिमिंगल, बड़े बड़े मगरमच्छ तिमिंगल, भीष्म द्रोण कर्ण शल्य जयद्रथ भूरिश्रवाय बड़े बड़े मगरमच्छ थे, एक से एक कालजयी, लेकिन आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की। और अभी अभी द्रोणी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से ये द्रौपदी उत्तरा का गर्भ दग्ध हो रहा था, आपने रक्षा की, द्रौपदी की आपने रक्षा की असत सभा में। तो आप तो विपत्ति में ही साथ रहते हैं, संपत्ति मिली, युधिष्ठिर जी राजा बने और आप खिसक लिए, हाँ चल दिया कि चलो 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 काम हो गया। तो महाराज हमको विपत्ति चाहिए, सुख के माथे सील परे नाम हृदय ते जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। संपत्ति मिलती है ना तो भगवान का भजन नहीं होता है, यह प्रसिद्ध कथा आपने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को राज्य दिए तो एक बार गए सुदामा से मिलने के लिए, सुदामा से मिलने के लिए गए और महीनों रुक गए, दो चार छह महीना रुक गए। अब भगवान जाने लगे, सुदामा के पास में गए कि सुदामा मैं तुम्हारे पास में आया और तुमको फुर्सत ही नहीं है मेरे से मिलने के लिए, तो मैं यहां रुक करके क्या करूंगा, मैं जा रहा हूं। तो सुदामा जी ने कहा कि महाराज ये काम कीजिए, कहे क्या, हम नहीं आए थे तो आपने ये वैभव दे दिया था, है सब माल टालिए खूब धन दौलत दे दिया, अब आप जाने के पहले सब इसको ले जाइए। कहे क्यों, कहे कि महाराज ये जब राज नहीं था, ये संपदा नहीं थी, तो मैं आपका भजन करता था, रोज सुबह से शाम तक भजन करता था, माला लिए बैठा रहता था, अरे जब से राज मिला है तो माला तो गई छूट, अब दूसरी माला चालू हो गई, कितने नौकर है भाई, कितने सैनिक है, कितना सोना है, कितना चांदी है, अब पूरा जीवन इसी में है, यह अब ये लिखा पढ़ी में ही निकल रहा है, इसलिए महाराज ये राज हमको नहीं चाहिए, ये संपत्ति मिली और भगवान भूले, इसलिए महाराज ये सब लेकर जाइए। तो कुंती जी ने कहा कि महाराज मैं जानती हूं, इसलिए हमारे जीवन में कदम कदम के ऊपर विपत्ति आए। कहे कि बुआ ये तो मेरे पास में विपत्ति तो है नहीं, क्यों, हमको लोग तो सच्चिदानंद कहते हैं तो विपत्ति हम कहां से लाएंगे, भाई जिसके पास जो वस्तु होगी वही तो देगा, हमारे पास विपत्ति है नहीं तो हम विपत्ति दे नहीं सकते। कहे कि ठीक है ये काम करो, अतः विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशुमे स्नेह पास मिमम छिंधी देहम पांडु सुवृष्णिशो, आप विपत्ति नहीं दे सकते हैं तो एक काम और कीजिए। कहे कि क्या, एक नारी की जो ममता है, आसक्ति है, प्रियता है, वो दो जगह होती है, कहां कहां होती है, एक मातृपक्ष में यानी मायके में, और एक होती है ससुराल में, दो जगह होती है। स्त्री बुढ़ी हो जाए तब भी अपने घर वाले की मायके की शिकायत नहीं सुन सकती है, हाँ लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। शंकर जी ने मना किया ना सती को, ना जाओ ना जाओ, है कि नहीं, नहीं आप जाओ चाहे ना जाओ मैं तो जाऊंगी, उन्होंने बहुत बुराई की दक्ष की, कि दक्ष तो हम मेरा बैरी है, दुश्मन है, कहे कि आपका होगा मेरा नहीं, मैं तो जाऊंगी। तो दो जगह आसक्ति होती है, आप इन दोनों आसक्तियों को काट दीजिए, यानी हमारे मातृपक्ष में, यानी आप हैं हमारे मातृपक्ष के, वसुदेव जी भाई थे ना, तो ये भतीजा लगे,
उधर भी मेरी आ सकती है और इधर पुत्र में भी पौत्र में भी आ सकती है। इस स्नेह पास को आप काट दीजिए। भगवान ने कुंती की स्तुति को सुन करके कहा कि अब बुआ मैं अब जाऊंगा नहीं, अब मैं यहीं पर ठहरूंगा, ठीक है। लेकिन एक काम और करना था ना, भगवान का एक काम और रह गया था। वो कौन सा काम रह गया था? इति भीता प्रजाद्रुहात सर्वधर्म विवत्या तत्सनम प्रागात यत्र देव व्रतोपतत। एक काम रह गया था जो धृष्टिर जी को बड़ा सुख था, दुख हो रहा था कि मेरे कारण 18 अक्षौणी सेना का संहार हुआ है, 18 अक्षौणी, और उसका हेतु मैं हूं। वो हमेशा दुखी रहते थे, उनको बड़े बड़े लोगों ने समझाया लेकिन समझ नहीं आई। तब भगवान ने सोचा कि ये इनको पितामह भीष्म यदि शिक्षा देंगे तो इनके खोपड़ी में कुछ आएगा, चलो हम लोग चलते हैं पितामह भीष्म के पास। पर्वतो नारदोधम्य भगवान बादरायण बृहदस्व भरद्वाज स शिशो रेणुकासुत। बड़े बड़े महापुरुष पर्वत नारद धौम्य व्यास वशिष्ठ आदि बड़े बड़े ऋषि पितामह भीष्म के मृत्यु को देखने के लिए उपस्थित हुए। पिताजी ने वरदान दिया था ना कि तुम जब चाहोगे तुम मरोगे, तो इनके ऊपर जब अर्जुन ने बाण का प्रहार किया तो ये गिर पड़े। तो गिए तो थे दक्षिणायन में और मरना है उत्तरायण में, तो सरसैया के ऊपर पड़े हुए उत्तरायण की प्रतीक्षा में जीवित रहे। तो भगवान ने सोचा कि चलो भाई, जो धृष्टिर जी के अंदर बड़ा विषाद है और भगवान ने भी पितामह भीष्म को वरदान दिया है कि जब आप मरने लगेगा तो आपके सामने मैं जरूर रहूंगा, तो मेरी दोनों बात पूरी हो जाएगी, ये कुछ शिक्षा भी इनको मिल जाएगा युधिष्ठिर को। तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ पितामह भीष्म के पास में आए। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामास मायुयो पात विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण को देखा पितामह भीष्म ने, तो बाहर तो है ही, बाहर भी पूजन किया और अपने हृदय में ले जाकर के वहां भी पूजन किया। और युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर सुन सुन आजा बेटा। कह के दादाजी, कह के हाँ बेटा पहले सुन तो मेरी बात। कह क्या? यम मन से मातुले यम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदा दत्त सारथिम। अरे तुम ये जिनको मेरा भाई मानते हो ना, ये कृष्ण को जानते हो कौन है? कौन है महाराज? अरे तुम मेरा भाई नहीं भाई, प्रिय भी मानते हो, मित्र भी मानते हो, अरे तुमने इनको अपना सेवक बना दिया भाई। ये तुम्हारे राजस्व यज्ञ में जूठे पत्तल उठाए, संतों के चरण प्रक्षालन का काम करते थे, अरे तुमने दूत भी बना दिया, हस्तिनापुर में भेजा ना धृतराष्ट्र के पास संधि प्रस्ताव लेकर के दूत बना करके। अरे यही नहीं, तुमने तो इनको सारथी भी बना दिया रथा को। हा तुमने कौन कौन से काम दे दिए इनको, ये जानते हो? सर्वात्मना समदृशो यद्वयस्यानहंकृते। ये पितामह भीष्म कह रहे हैं ये सर्वात्मा है, आनंद मिलने के बाद फिर समाप्त नहीं होता। एक बार पेट भर गया, खाए रसगुल्ला बड़ा मीठा लगा, एक रसगुल्ला खाए बड़ा आनंद आया, दो खाए तीन खाए तो धीरे धीरे आनंद कम होता गया, चार छह खाए आठ खाए कहे कि बस बस महापुराण है, नहीं पेट गड़बड़ हो जाएगा। यानी रसगुल्ले ने आनंद देना छोड़ दिया, उसका काम पूरा हो गया। इसका मतलब रसगुल्ले में आनंद नहीं है ना, है बड़ी स्त्री खूबसूरत लग रही है, शादी विवाह हो गई और चार छह महीना साल दो साल के बाद कहे कि भाई अब तलाक दो, अब पट नहीं रहा है। बाप बेटे में बड़ा प्रेम है, हाँ
हमारे नाम प्रॉपर्टी लिखो, नहीं तो गोली बंदूक लिए बेटा तैयार। भाई भाई में बड़ा प्रेम है, लेकिन बंटवारा में गड़बड़ी हो गई तो बंदूक खिंच गई दोनों ओर से, यही मामला गड़बड़ है। हम लोग संसार से सुख लेना चाहते हैं, आनंद संसार से लेना चाहते हैं, जबकि दुखालिया मशाश्वतम, ये संसार तो शाश्वत दुखालय है, यहां आनंद मिलेगा कहां। लेकिन हम उस दुखालय से सुख लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, क्योंकि हम आनंद स्वरूप है, लेकिन हमने संसार से सुख लेने की कामना को बांध लिया कि हमको सुख मिलेगा तो स्त्री से, सुख मिलेगा तो बेटा से, सुख मिलेगा तो मकान से, सुख मिलेगा तो गाड़ी से, सुख मिलेगा तो पैसे से, कीर्ति से। अरे जिसको छोड़ करके जाना है वो सुख कभी दे ही नहीं सकता। अपने में बैठ गए तो परमानंद हमेशा ही आनंद रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। हम भी आनंद स्वरूप हैं, लेकिन मामला यही गड़बड़ हो गया कि हम आनंद स्वरूप होते हुए भी हमने शरीर से आनंद लेना चाहा। शरीर को बढ़िया गद्दा पर सुलाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, तो शरीर से सुख लेना चालू किया। और शरीर गाड़ी में बैठ जाए 50-60 किलो का मांस का पिंड, और कोई देखे कि फॉर्चूनर है, BMW है, तो बड़ा आनंद आएगा। अरे बड़ा बढ़िया बिल्डिंग बना है ऐसा सुंदर, और ये शरीर उसमें रहता है तो लगता है कि बड़ा आनंद आ रहा है। और ये बेवकूफ को ये पता नहीं कि इसको छोड़ करके जाना है। अरे जिसको छोड़ करके जाना है वह कब तक तुम आनंद लोगे भाई, ये शरीर भी छूटेगा ना। ले ये सबको तो छोड़ करके जाना पड़ेगा, लेकिन सबकी आसक्ति तुम लेकर के जाओगे और वही आसक्ति तुम्हारे जन्म और मृत्यु का कारण बनेगी। हम लोग छोड़ करके जाते हैं, छूट जाता है, लेकिन एक सूक्ष्म आसक्ति हमारे साथ चली जाती है। अरे पुरंजन के साथ गई थी पुरंजनी, सुने है ना ये कथा, तो दूसरे जन्म में वो स्त्री बना, और जड़भरत जी जब शरीर छोड़े थे ना तो मृग का चिंतन करते हुए शरीर छोड़े थे, तो दूसरे जन्म में मृगी के गर्भ से जन्म लिए थे ना। यानी सूक्ष्म वासना को, सूक्ष्म आसक्ति को हम लोग साथ में लेकर के जाते हैं, और वही हमारे जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। जब आपको विहार करना होता है तो आप ये मायामय संसार में आ जाते हैं, और वैसे तो आप सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, अपने स्वरूप में ही हमेशा प्रतिष्ठित रहते हैं। स्वान निगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधिकर तुम प्लुतो रथस्थ धृत रथ चरणो भया चलद गुर हरिरी वहन तुमिभम गतोत्तरीय। भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी हाथ में शस्त्र धारण नहीं करूंगा महाभारत युद्ध में, और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि आपको अपने हाथ में शस्त्र धारण करना पड़ेगा, नहीं पांचों पांडवों का मैं वध करूंगा। तो यहां कह रहे हैं कि महाराज आपने मेरी प्रतिज्ञा को सांच करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ चक्र लेकर हम मारने के लिए दौड़ पड़े। दो बार भगवान ने महाभारत युद्ध में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, दो बार पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े। एक बार तो पहिया लेकर के दौड़े, पहिया रथ का पहिया है ना, उसको लेकर के मारने के लिए दौड़े रथ चक्र, और एक बार चाबुक लेकर के, दो बार दौड़े। तो पितामह भीष्म ने कहा कि महाराज हम तो यही चाहते थे, भैया मारिए, अब मैं बैठ गया। तो कह रहे मम दृषि गोचर ऐसे आविर आत्मा, वही आप श्री कृष्ण मुझे अंतिम समय में दर्शन देने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी ही। अपने मन को, अपने वाणी को, अपने चित्र को, चित्त को, अपने इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाया और संता श्वास उपारमत। उनका जो व्यष्टि प्राण था वो समष्टि प्राण में, उनकी जो आत्मा थी परमात्मा में,
भीष्म ब्रह्मणि निष्कले, ब्रह्म में लीन हुई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया, दुंदुभि बजाई, पांडवों ने अंत्येष्टि क्रिया की और लौट करके हस्तिनापुर में आ गए। अब भगवान ने कहा कि देखो युधिष्ठिर, अब तुम भाई राजा बन गए और तुमको पितामह भीष्म ने उपदेश भी दे दिया, अब मैं तो यहां से जाऊंगा। तो अर्जुन ने कहा कि आप जाएंगे तो हम भी चलेंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन अकेले मत जाओ, फिर सेना लेकर के जाओ। कहे क्यों? इनके बहुत दुश्मन है, श्री कृष्ण के सबरे ही दुश्मन है। ये इतने दुश्मन कि जब ये मथुरा छोड़ करके गए थे द्वारिका में, तो देवकी जी को बड़ी चिंता रहती थी कि तुम्हारे सब राजा विरोधी हो गए हैं, तुम्हारी शादी कौन करेगा। शादी के लिए बड़ी चिंतित रहती थी देवकी जी, क्योंकि सब राजा जितने थे बड़े बड़े लोग ढंग के, वो तो सब इनके विरोधी थे, इनके साथ कोई रिश्तेदारी करना नहीं चाहता था। देवकी जी रोज इसी चिंता में रहती थी। तो एक दिन कन्हैया ने पूछा कि माता जी आप चिंतित क्यों रहती हैं? तो माता जी देवकी जी ने कहा कि बेटा क्या बताऊं मेरी चिंता का कारण, तुम सुन करके क्या करोगे? क्या कि नहीं नहीं बताओ, मैं इसलिए चिंतित हूं कि तुमने सभी राजाओं से बैर बांध लिया, अब बोलो कौन तुम्हारे साथ अपने बेटी की शादी करेगा। तो कन्हैया ने कहा कि मम्मी चिंता न कर, कोई शादी नहीं करेगा तो हम इधर उधर से ले आएंगे, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सब राजा लोग विरोधी हो गए, इसलिए आप अकेले नहीं जाएंगे, आप जाएं, अर्जुन जाए और सेना लेकर के जाए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ सभी मार्ग के राजाओं से मिलते जुलते और द्वारका में पहुंचे। द्वारका वासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, सब लोगों ने स्वागत सत्कार किया और इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ। अश्वत्थामनो पसृष्टेन ब्रह्म सृष्णो रुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ इसे ना जीवित। महाभारत में तो ये प्रसंग स्पष्ट रूप से आता है कि परीक्षित जी मृतक जन्म लिए थे, लेकिन भागवत में दोनों बात लिखी गई, परीक्षित जी मृतक जन्म लिए इसे ना जीवित पुनः, और भगवान श्री कृष्ण ने पुनः जीवित किया। ब्रह्मास्त्र का ये नियम है कि जब तक अपना प्रयोजन पूर्ण नहीं कर लेता है तब तक नष्ट नहीं होता है। तो उत्तरा के गर्भ में जब भगवान प्रविष्ट हुए और अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तो भगवान अपने माया के आवरण से उसको ढक दिए। परिभ्रमंत मुलकाभाम भ्रामयंतम गदामुहु, और अपनी गदा से उल्का की भांति चलाते रहते थे तेजी के साथ, और ब्रह्मास्त्र से गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते रहते थे। जब बाहर आए परीक्षित जी तो ब्रह्मास्त्र ने बध किया और वह अपना प्रयोजन पूर्ण करके चला गया। तब सुभद्रा जी ने भगवान को बुलाया और उलाहना दिया कि आपका भांजा मृतक जन्म लिया है, पांडवों के कुल में जलांजलि देने वाला भी कोई बचा नहीं। तो भगवान ने उस बालक को गोद में लिया और कहा कि यदि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी असत्य का आचरण न किया हो तो सत्याचरण के प्रभाव से बालक जीवित हो जाए। बालक जीवित हो गया। तो युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया है कि महाराज, मैंने कई बार आपको असत्य का आचरण करते हुए देखा है, एक बार नहीं कई बार आप पितामह भीष्म के सामने ही रथ चक्र लेकर के मारने दौड़ पड़े, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, और यही नहीं आपने द्रोणाचार्य को मरवाने के लिए हमसे झूठ बुलवा दिया। अश्वत्थामा मारा गया,
मनुष्य नहीं हाथी। तो जैसे मनुष्य बोले तो ये भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया मनुष्य नहीं हाथी, ते सुन ही नहीं पाए। और तब तक धृष्टद्युम्न गया और द्रोणाचार्य के शिष्य को काट डाला। अब महाराज कई बार आपने असत्य का आचरण किया फिर भी ये आपको समझ में नहीं आया, ये बालक जीवित भी हो गए। तो ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है गर्ग संहिता की। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाने के लिए जाते थे। एक बार देर हो गया तो गोपियों ने पूछा कि देर कैसे हो गया महाराज? तो कहे कि क्या बताएं, भांडिरे में गुरु साक्षात दुर्वासा भगवान मुनि आगतोद्य प्रियातस्य सेवार्थम गतवान हम। हमारे गुरु जी, कौन गुरु जी? दुर्वासा भांडिर भट्ट में आ गए थे, मैं उनकी सेवा के लिए चला गया था इसलिए देर हो गया। तो गोपियों ने कहा कि हम भी आपके गुरु जी का दर्शन करें। कहे कि जाओ करो, तो कुछ भोग भी ले जाए। कहे कि ले जाओ। तो नाना प्रकार के पकवान को गोपियों ने थाल में सजाकर और दुर्वासा जी के पास जाने के लिए तैयार हो गई, चल दी। मार्ग में जमुना आया तो जमुना पार कैसे जाए, रात्रि का समय, नौका नहीं। लौट करके आ गए तो भगवान ने पूछा कि क्यों आ गई? कहे कि नौका नहीं है, पार कैसे जाए? तो भगवान ने एक मंत्र दिया, कहे कि जाओ इस मंत्र का उपयोग करो। जमुना जी के पास में गई और मंत्र का उपयोग किया। यदि कृष्णो बालयति सर्वदोष विवर्जित तरहि नो देहि मार्गम वै कालिंदी सरिताम्बरे। हे सरिताओं में श्रेष्ठ जमुने, यदि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी असत्य का आचरण न किया हो, हमेशा बाल ब्रह्मचारी रहे हो, हमेशा सत्य पर आरूढ़ रहे हो, उनके अंदर कोई दोष दुर्गुण न हो तो मार्ग दे दो। तो जमुना ने मार्ग दे दिया और पहुंच गए दुर्वासा के पास में। दुर्वासा खा पी लिए, सब चकाचक खा पी करके तैयार हो गए। अब गोपियों ने कहा कि अब हम लोग चले। कहे कि जाओ। अब आई जमुना जी के किनारे, फिर उस मंत्र का उपयोग किया तो अब की बार वो मंत्र काम नहीं दिया। अब लौट करके दुर्वासा के पास में गई। दुर्वासा ने पूछा कि क्यों लौट करके आ गई? कहे क्या करें, उधर से जो मंत्र श्री कृष्ण ने दिया था वो काम नहीं किया। क्या मंत्र दिया था? कि ये मंत्र दिया था। कहे कि अब जाओ दूसरे मंत्र का उपयोग करो। यदि दुर्वा रसम पीत्वा दुर्वासा केवलम छितौ वर्ते निरन्नो निर्वारी वर्तते पृथ्वी तले तरहि नो देहि मार्गम वै कालिंदी सरिताम्बरे। यदि दुर्वासा ने अपने जीवन में कभी भी अन्न जल का सेवन न किया हो, हमेशा दुर्वा का रस ही पी करके रहा हो तो हे जमुने मार्ग दे दो। जमुना ने मार्ग दे दिया। अब वो पहुंची कृष्ण के पास में और कृष्ण को उलाहना दिया। यथा गुरु तथा शिष्य मृषावादिन संशया। गुरु और चेला दोनों महाझूठे। हाँ, ये रोज रोज रास रचाते हैं, माखन मिश्री चुराते चलते हैं, किसी का चीर चुराते चलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और फिर भी कहते हैं सर्व दोष विवर्जिता है, संपूर्ण दोषों से रहित है। और वो गुरुजी महापाखंडी महाझूठे, हमारे आंख के सामने सारा 56 भोग खा गए पी गए और कह रहे कि दुर्वा रसम पीत्वा, हम जीवन भर केवल दुर्वा का रस ही पी करके रहे। और जमुना ने मार्ग भी दिया। ये बात समझ में नहीं आई तो भगवान ने समझाया, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र मीमांभसा। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन जल के गुण धर्म से लिप्त नहीं होता, वैसे ही संसार में रहे निर्लिप भाव से कर्म करे तो पाप पुण्य का जनक नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण आए, बालक को जीवित किया, युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार संपादित करवाया। ब्राह्मणों ने कहा कि ये सर्वगुण संपन्न होंगे, महावीर होंगे, धनुधर होंगे, तेजस्वी होंगे, प्रतापी होंगे, गंभीर, सारे सद्गुण इनके अंदर निवास करेंगे। लेकिन एक दोष, तक्ष का आदात्मनो मृतुम द्विज पुत्रो उपसर्जिता। ये ब्राह्मण के साप से सापित होंगे,
तक्षक नाग के डसने से इनकी मृत्यु होगी। बस एक दोष है, बाकी तो सारे के सारे सदगुण ही। सहसलोक विख्यात परीक्षित द्वितीय प्रभो गर्भे दृष्ट मनोध्यायन परीक्षित नरेश्वीह। इस संसार में ये परीक्षित के नाम से जाने जाएंगे। ब्राह्मण लोग दान दक्षिणा लिए और चले गए। आइए अब एक भजन हम लोग सुने और भजन के बाद आगे की कथा होगी और थोड़ा और हमसे हटकर एक प्रवचन और होगा, उसके बाद कथा चालू होगी। चलो भाई एक भजन सुना दो। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीर ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम सच में ये दुनिया क्या जाने। जब से छवि लगी मेरे जान के जब से भई बावरी में तो तब से, भई बावरी में तो तब से पानी प्रेम की डोर मोहन से, पानी प्रेम की डोर मोहन से, ओ नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम सच प्रीत ये दुनिया क्या।